नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू स्पोर्ट्स नॉलेज। तो गाइस, आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं आईएसएल 7 से जुड़ी कुछ ट्रांसफर अपडेट के बारे में। लेकिन उससे पहले अगर आपको ये वीडियो अच्छे लगे तो एक छोटा सा लाइक जरूर कर देना, और चैनल पर अगर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में जुड़ी बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो भाई, सबसे पहले अगर बात किया जाए एफसी गोवा के बारे में, तो एफसी गोवा ने यहाँ पर नेक्स्ट सीजन के लिए साइन कर लिया है सलगांवकर एफसी का एक खिलाड़ी, जिसका नाम है भाई देवेंद्र मुलगांवकर। और इस खिलाड़ी के बारे में मुझे उतना सोर्सेस नहीं मिला, इसीलिए मैं आप लोगों को इसके बारे में कोई डिटेल्स नहीं बताया। सिर्फ goal.com के तरफ से हमें इतना ही पता चला है कि एफसी गोवा ने सलगांवकर एफसी का एक खिलाड़ी देवेंद्र मुलगांवकर को नेक्स्ट सीजन के लिए साइन कर लिया है। नेक्स्ट अपडेट निकल कर आया है भाई एटीके का स्पेनिश डिफेंडर विक्टर मोंगिल के बारे में। तो विक्टर मोंगिल, जो एक 27 वर्षीय स्पेनिश सेंटर बैक है, उनको नेक्स्ट सीजन के लिए साइन कर सकते हैं जमशेदपुर एफसी। इसके अलावा बेंगलुरु एफसी और ओडिशा एफसी भी इन विक्टर मोंगिल को ऑफर कर चुका है। तो अब देखने के बाद ये होंगे कि नेक्स्ट सीजन जो नया टीम बनने वाले हैं एटीके मोहन बगान, उसके साथ विक्टर मोंगिल अपना कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड करते हैं या फिर जमशेदपुर एफसी, बेंगलुरु एफसी और ओडिशा एफसी, इन तीनों में से कोई एक क्लब ज्वाइन करते हैं। नेक्स्ट अगर बात किया जाए ईस्ट बेंगल के बारे में, तो भाई ईस्ट बेंगल के तरफ से यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा र्यूमर्स निकल कर आया है। तो यहाँ पर इंडियन ऑरिजिन ईरानियन फुटबॉलर उमित सिंह, उनको अपने टीम में शामिल करने के लिए उनके साथ बात कर रहा है ईस्ट बेंगल एफसी। और ये बात हमें पता चला है स्पोर्ट्स कीड़ा की तरफ से, जो फुटबॉल से रिलेटेड कोई भी न्यूज के लिए एक बहुत ही बड़ा प्लेटफॉर्म है। इसके अलावा एक बंगाली न्यूज़पेपर और कुछ आर्टिकल में भी इस बात को रिवील किया गया है। तो भाई उमित सिंह, जो एक 27 वर्षीय इंडियन ऑरिजिन ईरानियन फुटबॉलर है और वो खेलते हैं मेनली लेफ्ट विंगर के पोजीशन में, और लगभग एक साल पहले टीम इंडिया के हेड कोच इगोर स्टीमाच ने उमित सिंह का नाम इंडिया में लाया था और टीम इंडिया की तरफ से खेलने के लिए उनको ऑफर किया था। और आप र्यूमर्स निकल कर आया है कि नेक्स्ट सीजन के लिए उमित सिंह को साइन करने वाले हैं ईस्ट बेंगल फुटबॉल क्लब। और हमें यह भी पता चला है कि उमित सिंह के साथ ईस्ट बेंगल का बातचीत लगभग खत्म भी हो चुका है। और ऐसा ही अगर सब कुछ ठीक ठाक चलता रहा तो नेक्स्ट सीजन में उमित सिंह हमें इंडिया में दिखाई दे सकते हैं। और इसके अलावा मोहन बगान के तरफ से 24 वर्षीय आई लीग विनर गोलकीपर शंकर रॉय और रियल कश्मीर एफसी का इंडियन डिफेंडर नवीन गुरुंग, इन दोनों को ही नेक्स्ट सीजन के लिए साइन करने वाले हैं ईस्ट बेंगल फुटबॉल क्लब। उसके बाद अगर बात किया जाए नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी के बारे में, तो नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी यहाँ पर नेक्स्ट सीजन के लिए साइन करने वाले हैं दो न्यू प्लेयर्स को, जिनमें से एक है भाई लाल खाऊपुई माउइया, जो मापुइया के नाम से जाने जाते हैं, और उनका एज है 28 और ये खेलते हैं मेनली सेंटर फॉरवर्ड के पोजीशन में। इनका अगर क्लब करियर देखा जाए तो आईजोल एफसी की तरफ से 2 साल इन्होंने आई लीग में खेला है। 2017 में आईजोल एफसी की तरफ से इन्होंने आई लीग टाइटल भी जीता था, और उसके बाद 2019 में उनका ट्रांसफर हो गया था चर्चिल ब्रदर्स एफसी में, और वहां जाके इन्होंने 2019-20 आई लीग सीजन में चर्चिल ब्रदर्स एफसी की तरफ से टोटल 12 मैचेस खेला है, जहां उनके नाम 5 गोल भी शामिल है। और मापुइया इस सीजन आई लीग में चर्चिल ब्रदर्स एफसी का बेस्ट इंडियन परफॉर्मर खिलाड़ी है, और आई लीग में उनका लास्ट 24 मैचेस में 14 गोल उनके नाम शामिल है। तो भाई मापुइया बहुत ही टैलेंटेड एक इंडियन स्ट्राइकर है, और ये नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी के लिए एक बहुत ही बड़ा साइनिंग होने वाले है। उसके साथ साथ आईजोल एफसी का एक और खिलाड़ी रोछार जिला, उनको भी नेक्स्ट सीजन के लिए साइन करने वाले हैं नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी। तो रोछार जिला एक 21 वर्षीय इंडियन अटैकिंग मिडफील्डर है, और इस सीजन आई लीग में आईजोल एफसी की तरफ से इन्होंने टोटल 15 मैचेस खेला है, जहां उनके नाम 6 गोल शामिल है। तो इनको भी नेक्स्ट सीजन के लिए साइन कर लिया है नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी। इसके अलावा गोलकीपर शुभाशीष रॉय चौधरी के साथ भी नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी अपना कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड कर लिया है, और अब शुभाशीष रॉय चौधरी नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी की तरफ से ही कंटिन्यू करने वाले हैं। लेकिन उनके साथ नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी का कॉन्ट्रैक्ट कितने दिन के लिए है ये मुझे नहीं पता। सिर्फ goal.com के तरफ से इतना ही पता चला है कि शुभाशीष रॉय चौधरी के साथ नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी ने अपना कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड कर लिया है, और आगे जाकर इसके बारे में अगर कोई भी अपडेट निकल कर आता है तो मैं आप लोगों को जरूर इन्फॉर्म कर दूंगा। तो चलिए, आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छे लगे तो एक छोटा सा लाइक जरूर कर देना, और चैनल पर अगर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में जरूर बेल आइकन को भी प्रेस करके रखना। और जिसने भी हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया वो जल्दी से जाकर स्पोर्ट्स नॉलेज ऑफिशियल इंस्टाग्राम अकाउंट को फॉलो कर दो, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर मिल जाएगा। तो जाइए और फॉलो कीजिए, क्योंकि आगे जाकर इंस्टाग्राम पर भी आपको फुटबॉल से रिलेटेड कोई भी अपडेट देखने को मिल जाएगा। तो फिर मिलेंगे अगले एक नए और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, और तब तक के लिए बाय बाय।